वेस्कुला बोलते हैं, वेस्कुला जहां पे खून जाता है, ए वेस्कुला जहां पे खून नहीं जाता। पीछे दूल्हे की बारात थोड़ी जा रही है लड़के से। अब मैं तुम्हें 2 लाख वाले शूज दिलाऊंगा। इजी हाँ, इजी ब्रीद आउट करेंगे। और यानी कि स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, यंग है, 34 साल के हैं। इजी ब्रीद आउट करेंगे, छोड़ देंगे। वेलकम फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है, टाइम है 11:40। मेरे साथ मिस्टर ठाकुर हैं। ठाकुर जी ओरिजिनल तो बिहार से हैं, जैसे बेसिकली वर्ड हम हमेशा यूज करते रहते हैं, हर कोई बेसिकली कहीं से होता है। दिल्ली में अपने पिताजी का इलाज कराने आते हैं और मेरे पास कल इन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की और आज आए हैं। ये वीडियो आपके साथ इसलिए बना रहे हैं कि इनको एक दिक्कत है जिसको बोलते हैं एवीएन। एवीएन का फुल फॉर्म होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। हिंदी में आप लोग ही अनुवाद करके इसका डाल दीजिएगा क्या होता है इसका। इसका मतलब ये होता है कि जब हड्डी का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तो उसको एवेस्कुलर बोलते हैं। वेस्कुलर जहाँ पे खून जाता है, एवेस्कुलर जहाँ पे खून नहीं जाता। तो जहाँ पे खून नहीं जाता वो चीज़ अपने आप से डेड होना या काली पड़ना चालू हो जाती है। जैसे अगर आप इनका थोड़ी देर में वीडियो बना के दिखाऊंगा कि चलते ही ये बतख की तरह बिल्कुल, तो उसी की वजह से इनके हिप के आसपास सारी हाइपर इंटेंस सिग्नल नजर आ रहे हैं। एवेस्कुलराइजेशन हो सकता है और मैंने इनको एडवाइस किया कि इंसोल जरूर पहने किसी भी हालत में, एवेस्कुलर हो या ना हो। और ये अपने दोस्त या अपने भाई के एडवाइस पे मेरे पास आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो मुझे अपनी ट्रीटमेंट की भी थोड़ी सी वो रखनी है कि सिर्फ ज्ञानी ना देख के इनको भेज दूं जी, है ना। आराम देना भी मेरा थोड़ा सा फर्ज है। आप बताओ आपने अब तक क्या क्या दौड़े भागे क्या किया है? अभी मैं ये दौड़ा भागा शुरू हुआ, मेरा ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी हुई 2022 में। उसके बाद 1 साल के बाद मैं गाड़ी हर टाइम चलाते रहता था, बोलेरो था मेरे पास, एक न्यू कार लिया XUV 300। उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में मेरा अचानक से पेन लेफ्ट साइड में पेन शुरू होने लग गया। तो मैं गया फिर अपना फिजियोथेरेपी के पास, मैंने बोला सर देखो कोई स्ट्रेंथ तो नहीं आ गया, तो उसने 1-2 दिन किया, उसके बाद मेरे को रिलीफ नहीं हुई। रिलीफ नहीं होने के कारण मैं आर्थो के पास गया। आर्थो बोला कि पता नहीं, एक्सरे करते हैं, एक्सरे करके देखते हैं। एक्सरे में उनको कुछ ना मिला, फिर बाद में बोल रहे कि चलो मेडिसिन लिख देता हूँ। ऐसा है, मेडिसिन 1-2 महीना खाया, उसके बाद पेन आराम होती थी, फिर से पेन शुरू। फिर बाद में डॉक्टर ने बोला MRI करके देखते हैं, आप बाहर से MRI करवा लो और लेके आना। MRI बाहर से करवाया, बोल रहा है कि AVN2 है। फिर AVN2 होने के बाद मैंने उनका मेडिसिन चलाया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। फिर एक दोस्त के पास सुना, दूसरे जगह गया, उसके बाद वो बोले कि नहीं इसका आप ट्रीटमेंट आप आयुर्वेदिक से कराओ, उससे ठीक हो जाएगा। फिर उसका ट्रीटमेंट मैं 6 महीने लिया, कुछ एक्सरसाइज किया, रिलीफ होते थे 5-6 महीना, फिर से शुरू हो जा रहा था रिलीफ, मतलब टोटली रिलीफ नहीं। उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन छोड़ दिया, करीब हो गया 1-1.5 साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली आया था पापा के इलाज के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल में, मैं चल नहीं पा रहा था गुवाहाटी से ही, 6-10 दिनों से बहुत पेन, सीवियर पेन चल रही थी हिप में एंड बैक में। तो मैं कल वही देख रहा था कि देखता हूँ कार्ड डॉक्टर यहाँ पे कहीं पे हैं तो उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ, जो पेन रिलीफ नहीं हो रही है और वही इलाज है, पेन किलर खा नहीं सकता। उसके वजह से मैंने बुक अपॉइंटमेंट किया और सर के पास आया। तो सर को मैंने MRI दिखाया, सर ने बोला कि MRI ये तो साइन भी नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है, आप फ्रेश MRI कराना, उसके बाद में मैं आपको बता सकता हूँ इसके लिए। तो फिलहाल तो जो ये उन्होंने बताया है हम उसी बेसिस पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमें यानी जो भी हो मुझे पता है कि इनकी इंसोल से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं इनका एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ। आइए लेट हिम, हाँ फेस डाउन कर लेंगे, इजी। क्योंकि मैं क्योंकि बहुत सारे एवीएन केसेस देखता रहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा इनके एवीएन के होने में डाउट है, लेकिन इस चीज में बिल्कुल डाउट नहीं है। यहाँ से दिखाओ, ये एक टांग देखो किस तरह से गोल घूम रही है, प्रोनेशन है ना, ये एक टांग पे सारा वेट आ रहा है, यही इनका सारा दिक्कत का कारण है जो मुझे लगता है। और जब भी हम फार ईस्ट जब जाते हैं तो थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड्स और अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी चेंजेस आने लग जाते हैं, ये हम सब जानते हैं।
ईजी ब्रीद आउट करेंगे और यानी कि स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है, सब कुछ है, यंग है, 34 साल के हैं, ईजी ब्रीद आउट करेंगे, छोड़ देंगे, ईजी टर्न करेंगे मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, और स्पाइन पे भी उतना ही सीवियर प्रेशर आ रहा है, ये मैं फील कर सकता हूँ। करवट लीजिए मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मोड़ लो उसको, इसको मोड़ लो। डिसलोकेट थी 2022 में। अरे छोड़ दो यार, डिसलोकेट बरबर नहीं होती है। हाँ इजी, हाँ उस तरफ, मोड़ लो, ये वाला सीधा, ये वाला सीधा, ये वाला सीधा, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। आए देखो ये है इनकी असली दिक्कत, ये पाँव नीचे तक, ये इतना पंजे पे वेट डालते हैं कि ये नीचे भी नहीं जा रहे, ये सेम यही हाल है, समझे, इसलिए नहीं चल पा रहे। सर इतना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, किसी ने इसको छुआ नहीं, किसी ने नहीं छुआ, क्यों, इससे पाप किया है क्या, जो जो जब चलने में दिक्कत हो रहा है तो पाँव तो दिखेगा। इसके लिए मैंने सूज लिया, अच्छे सूज लिया, मैं बोला सूज से भी हो जाए ठीक। हाँ जब तुम्हारा पाँव जैसा पड़ता है तो वो अच्छे शूज में भी वैसे ही पड़ेगा और बुरे शूज में भी वैसे ही पड़ेगा। मैंने नेटवर्क का शूज लिया, मैंने बोला चलो उससे भी ठीक हो जाए। अब मैं तुम्हें 2 लाख वाले शूज दिलाऊंगा। इजी आ जाओ, अब इनकी थोड़ी चाल दिखाओ, चल के दिखाओ। पीछे दूल्हे की बारात थोड़ी जा रही है लगते से। जी सर आज ये है और ये कल भी है, मैं तो चाहूंगा कि ये एक और दिन आ जाए। जी सर तो आराम मिल जाएगा। हाँ जी सर, और जितना भी आराम मिले जी सर, ज्यादा मेरा जो लुकआउट होता है मरीज को कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए जी सर, ताकि वो परेशान ना रहे। जैसे मैंने बताया आपके से 1 लाख करोड़ रुपए भी होंगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे 100% अगर आप डॉक्टर और चीजें भटकते रहोगे। जी सर, दवाइयों से उसका कोई इलाज नहीं है, पहले असेसमेंट होता है, राइट असेसमेंट हो जाए तो इलाज में कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुझे कुछ भी करना है, अगर सपोजिटली हिप रिप्लेसमेंट भी करना है तो पता तो हो जाए कि मुझे सिर्फ यही करना है ना। जी सर, और वो 10-15 दिन का प्रोसीजर होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। जी जी, बट वो ना करें और हम लाखों रुपए इधर उधर खर्च कर दें तो उन सब चीजों से बच सकते हैं ना। हाँ 100% सर, तो वो सर्टेन करना होता है। यही आपको सब चीजें बतानी थी। थैंक यू सर, और कोई आपको सवाल हो व्यूअर्स तो, एंड सबको वर्ल्ड कप जीतने की मुबारकबाद। चैनल को लाइक करें और 5-6 तक लाइक आपने कर दिया है, 10-15-20 तक भी इसको पहुंचा दीजिए। ठीक है मिस्टर महेश, 1 लाइक आपका आएगा, आपका 1 लाइक आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं सर, 100% सर, चैनल को सब्सक्राइब करने पे आएगा ना। हाँ जी सर, थैंक्स एवरीवन।